असत वेत्ये, सात असत वेत्ये। आप वेदिनी कर्म के दो भेद बताए जा रहे हैं। आवाज आ रही होगी अरुण भैया जी? सात असत, जी। हाँ ठीक है। सात असत वेत्ये, वेदिनी कर्म के दो भेद हैं, सत माने साता वेदनी और असत माने असाता वेदनी। वेद्य माने दोनों के साथ में लगाना है, सत वेद्य और असत वेद्य। तो सत वेद का मतलब होता है खुशहाली, पुण्यवर्धक चीजें जो आज हमको और आपको प्राप्त हुई हैं। मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, जैन कुल प्राप्त हुआ है, माँ जिनवाणी सुनने को प्राप्त हुई है और हमारे अरुण भैया जी जैसे सहपाठी प्राप्त हुए हैं, अशोक भाई जैसे सहपाठी प्राप्त हुए हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं पुण्य से, अर्थात साता वेदिनी कर्म के उदय में सभी चीजें अनुकूल होती हैं। हमको आप जैसे श्रोता मिले, ये हमारे साता वेदिनी कर्म का उदय है कि आप जैसे सुधी श्रावक हमको प्राप्त हुए। तो ये वेदिनी कर्म के दो वेद हैं, स दशत वेद्य अर्थात साता वेदिनी और असाता वेदिनी। इनकी चर्चाएं और आगे करेंगे। अब मोहिनी कर्म के 28 वेद आपको गिनाए जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा और सूत्र से अर्थ लगाने की कोशिश करिएगा। मोहिनी कर्म के 28 वेदों को गिनाया जा रहा है, दर्शन, चारित्र, मोहिनी या कसाय, कसाय, वेदिनी, याख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदाः, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान, यकसाय, कसायौ, हास्य रत्त रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पास, चैकसाह, क्रोध, मान, माया, लोवाहा। दोबारा एक बार उच्चारण देख लीजिए, सूत्र से अर्थ लगाना सीखना। दर्शन, चारित्र, मोहनी या कसाय, कसाय, वेदनी, आख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदाः, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान, या कसाय, कसायौ, हास्य रत्त रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदाः, अनंतानुबंध ज्ञान अच्छा ज्ञान, संज्वलन, विकल्पास, चैकसाह, क्रोध, मान, माया, लोभाः। अब यहाँ पर मोहिनी कर्म के 28 वेद होते हैं। अब मोहिनी कर्म के 28 वेद किस प्रकार से होते हैं, उन भेदों को करने की प्रक्रिया में सूत्र के माध्यम से समझने की कोशिश करना और मोहिनी कर्म की एक एक प्रकृति का विस्तार हम आपको क्रम से करेंगे। अभी तो सूत्र से अर्थ लगाना दिखा रहे हैं। कहते चा मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के दो वेद हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। दर्शन मोहिनी के तीन वेद हैं, चारित्र मोहिनी के द्वि दो वेद थे। उन दो वेदों में सबसे पहला है अकसाय वेदनी। उस अकसाय वेदनी के नव नौ वेद हैं और कसाय वेदनी के षोडश 16 वेद होते हैं। और जो दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयान, अर्थात सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्। ये तीन दर्शन मोहिनी के भेद हैं। अब जो चारित्र मोहिनी के भेद थे, दो दुई माने दो, अकसाय और कसायौ, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। अब अकसाय वेदनी के नव नौ भेद हैं, उनके नाम गिनाए जा रहे हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद,
पुम माने पुन माने पुरुष वेद, नपुंसक माने नपुंसक वेद, ये नव वेद हो गए। अब षोडश चाहिए, जो कसाय वेदनी के षोडश वेद हैं उनकी चर्चा आती है। कौन कौन से हैं? कहते अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार। फिर अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर प्रत्याख्यान, मान, माया, लोभ, ये एक सा माने क्रम से क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी के साथ लगाना, अप्रत्याख्यान के साथ लगाना, प्रत्याख्यान के साथ लगाना और संज्वलन के साथ में लगाना चाहिए। एक बार पुनः सूत्र का अर्थ देखिए, समझिए। मोहिनी कर्म के 28 वेद होते हैं। अब 28 वेदों को कैसे गिनाया जा रहा है? पीके जैन साहब बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना पड़ सकता है सूत्र का अर्थ। कहते हैं मोहिनी कर्म के दो वेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और चारित्र मोहिनी के दो वेद हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अब जो दर्शन मोहिनी है उसके तीन भेद हैं, और जो चारित्र मोहिनी है उसके दो भेद हैं। दो कौन कौन से हैं? अकसाय और कसाय। जो अकसाय वेदनी है उसके नौ भेद हैं, और जो कसाय वेदनी है उसके षोडश 16 भेद हैं। अब जो दर्शन मोहिनी के तीन भेद बताए गए हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयान। तदुभयान का मतलब होता है सम्यक्त भी हो और मिथ्यात्व भी हो, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व। ये दर्शन मोहिनी के तीन वेद हो गए। सम्यक प्रकृति कौन सी कहलाएगी फिर? पहली वाली कहलाई सम्यक्त है, उसी का नाम सम्यक प्रकृति है। अच्छा। जो पहला भेद सम्यक्त बताया गया है उसी का नाम सम्यक्त प्रकृति है, दूसरे का नाम मिथ्यात है और तीसरे का नाम तदुभयानी, अर्थात दोनों मिलाकर जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात। तो पहले नंबर पर जो सम्यक तो कहा है उसी को सम्यक प्रकृति जानना, मिथ्यात को मिथ्यात जानना, और तदुभयानी माने दोनों, उभयानी माने दोनों, सम्यक भी हो और मिथ्यात भी हो, उसको सम्यक मिथ्यात जानना। अब जो द्वि भेद कहे तो द्वि भेद कौन कौन से है? अकसाय और कसाय, ये दो भेद हैं। अब उसमें पहले वाले अकसाय के नौ भेद हैं। कौन कौन से? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुन माने पुरुष वेद, नपुंसक माने नपुंसक वेद, ये नौ भेद हो गए। अब जो 16 भेद बताए जा रहे हैं उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये एक सा एक एक के साथ में लगाना है। किस किस के साथ लगाना? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके साथ में लगाना चाहिए। इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ हो जाता है कि मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। अब 28 भेदों में सबसे पहला भेद दर्शन मोहिनी के जो तीन भेद करके सम्यक अर्थात सम्यक प्रकृति जो नाम बताया जा रहा है उसकी चर्चा करते हैं। सम्यक ध्यान रखना, दर्शन मोहिनी में तीन भेद जो किए, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये तीन भेद जो किए गए हैं। अब इन तीनों में बंद एक का होता है, केवल मिथ्यात्व का ही बंद होता है, सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का बंद नहीं होता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जिसका बंद नहीं हुआ उसका उदय बताया जा रहा है, तो मेन चीज क्या है? आचार्य श्री नैमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती कर्म कांड में कहते हैं, कोदेन व जंतेन, माने जंतेन को दब्बम, जैसे चावल की जो चावल की कुटी होती है उस चावल को कूटा जाता है तो उसमें से चावल अलग निकलता है, भूसा अलग निकलता है, कनकी अलग निकलती है, तो कोदेन व दब्बम, जंतेन व कोदब्बम, ऐसे गाथा आई है। तो जैसे चावल को पीसा जाता है तो उसमें से
चावल अलग निकलते हैं, भूसी और चना अलग निकलती है, कण अलग निकलते हैं, ऐसे ही मिथ्यात रूपी एक बड़ा टुकड़ा है और मिथ्यात रूपी बड़े टुकड़े में बारूद भरी जाती है और बारूद भर के उसको खंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जब उसके टुकड़े होते हैं तो उसके तीन हिस्से हो जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसका नाम मिथ्यात है, और जो थोड़े छोटे रहते हैं उनका नाम सम्यक मिथ्यात है, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनका नाम सम्यक प्रकृति है। अब सम्यक प्रकृति के कारण क्या होता है, तो सम्यक प्रकृति के कारण होता है चल मल और अगाड़, ये तीन दोष लगते हैं क्योंकि ये छायो सम्यक है, तो तीन जब दोष लगते हैं तो सामने वाला काम अच्छे कर रहा है, सामने वाला देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य जगह कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन ये मिथ्यात्व का टुकड़ा होने के कारण, मिथ्यात्व के संस्कार होने के कारण वो कहता है कि ये शांतिनाथ भगवान शांति के देने वाले हैं, पारसनाथ भगवान हमारी चिंताओं को दूर करने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी चीजें भाव उसके अंदर पैदा होते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 24 तीर्थंकरों में केवल शांतिनाथ भगवान ही सबको शांति देने वाले हैं, बाकी के 23 भगवान 23 तीर्थंकर सबको अशांति देने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है, 24 ही तीर्थंकर सबको शांति प्रदान करने वाले हैं, पारसनाथ भगवान अकेले नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी कर दें, अन्य तीर्थंकरों से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तीर्थंकर नहीं करते कुछ भी, ये हमारा जैन दर्शन कहता है कि जो आपका कर्म बंधा हुआ है, पुण्य पाप जैसा आपने बांध रखा है वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है, हमारे भगवान सर्वज्ञ प्रभु ना किसी को कुछ देते हैं और ना किसी से कुछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भक्त पूजा अर्चना कर रहा है उससे खुश हो गए प्रसन्न हो गए और जो गाली गलौज कर रहा है या स्तुति नहीं कर रहा है उस पर कुपित हो गए, तो भगवान अगर कुपित होते हैं और भगवान किसी से राग करते हैं तो पहले से तो भगवान है ही नहीं है, जो कुपित होता है और राग करता है वो राग द्वेष से सहित है, तो राग द्वेष से जो सहित है वो कभी भी भगवान नहीं हो सकते। मेरी भावना की वह पंक्ति सबको याद है और प्रायः करके उस पर चर्चा करते रहना चाहिए, चिंतन मनन करते रहना चाहिए, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, जिसने राग देश जीते हैं, विकारी भावों को जीता है, विकारी कार्यों को जीता है, और इन सबको जीतने के बाद में वो कोई भी हो हरिहर ब्रह्मा कोई भी हो इसमें मुझे कोई विकल्प नहीं है, लेकिन होना चाहिए वही जिसने राग देश कामादिक जीते, ये पहली पंक्ति का ध्यान रखना है कि जिसने राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीत लिया है उसी का नाम सर्वक है, उसी का नाम सच्चे भगवान है, तो जो भगवान है उनमें किसी में भेदभाव नहीं होता है, जिनमें सत्यता है वो कभी भी छुप नहीं सकती है, सोने की जो चर्चा है सोने की जो स्वर्णता है वो किसी में से छुप नहीं सकती, चाहे जितनी कीचड़ में डाल दी जाए, चाहे जितनी सालों कीचड़ों में निकालने के बाद भी निकाली जाए तो कभी सोने में कभी जंग लगती नहीं है, तो जो चीज खरी है जो चीज साफ सुथरी है उसमें कभी भी विकार आते नहीं है, तो जो सच्चे भगवान हैं उनमें कभी भी विकार भाव पैदा होता नहीं है, इसलिए 24 तीर्थंकरों की शक्ति बराबर है, किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी तीर्थंकर की शक्ति कम हो और किसी की ज्यादा हो, सभी तीर्थंकरों की शक्ति बराबर है समान है ऐसा जानना चाहिए, लेकिन सम्यक प्रकृति जो मिथ्यात् का एक टुकड़ा होने के कारण वो हमको और आपको दोष उत्पन्न कराती रहती है, ये मेरे साथ भगवान है, ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये वेदी मैंने बनवाई है, इस प्रकार के जो भाव आते हैं वो सम्यक प्रकृति के कारण ही आते हैं, क्योंकि आज हमको और आपको
छायिक सम्यक दर्शन नहीं है, और छायिक सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण सबके ऊपर सबके पास छायोप सम्यक भाव है, और छायोप सम्यक सम्यक होने के कारण हमारे और आपके अंदर कुचित कदाचित ऐसे भाव हो जाते हैं जिनके निरंतर भाव ऐसे बने रहते हैं कि ये मेरे भगवान है, ये मेरी वेदी है, ये हमारे दादाओं का मंदिर है। ठीक है, आपके दादर बनवाया, आपके दादाओं ने वेदी बनवाई, ये बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम करके गए हैं, लेकिन वे अच्छा काम करके गए हैं और तुम ये कहकर कि हमारे दादाजी का मंदिर है, हमारे दादाजी ने बनवाया था, हमारे पुरखों का मंदिर है, उससे कहकर जो और पुण्य का अर्जन होना है उससे उसकी कमी कर रहे हैं। आप अपनी चीज बताकर अपना दर्शाना चाह रहे हैं, उससे वह चीज आपकी नहीं है। तो सर से हुकुम जो अशोक साहू जो दिल्ली के हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, और बड़े बड़े मंदिर बनवाने के बाद जब सब काम हो गया और नीचे चार पांच सीढ़ियां बनने लायक रह गई, तब वो कहते हैं भैया मेरे पास में पैसे नहीं है, अब तुम जाना तुम्हारा काम। अब सोचना विचार करना कि जहाँ पूरा मंदिर बना हो, जहाँ पूरी शिखर बनी हो और सारी व्यवस्थाएं बनने के बाद में अंत में चार पांच सीढ़ियां बनने लायक उनके पास में पैसा नहीं है, मतलब चार पांच सीढ़ियों के लिए जो चंदा आएगा तो कितना आएगा, उससे जो मंदिर बनेगा तो फिर किसका कहलाया, साहू का नहीं कहलाएगा, अशोक साहू का नहीं कहलाएगा, समाज का कहलाएगा। ऐसी भावनाएं पुराने समय में हमारे उद्योगपतियों की रही है, ऐसी ही हमारी और आपकी भी रहना चाहिए। चामुंड राय ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई, इतनी विशाल मंदिर बनवाया, प्रतिमा बनवाई, लेकिन कभी उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि ये प्रतिमा मैंने बनवाई है। हमेशा उन्होंने कहा कितनी बढ़िया शिल्पकार ने प्रतिमा बनाई है, शिल्पकार ने कितनी बढ़िया प्रतिमा बनाई है। माने वो गीत हमेशा गाते थे तो शिल्पकार के गाते थे और अपनी चर्चा नहीं करते थे। ध्यान रखना, प्रतिमाएं विराजमान करने वाले की जितनी विशुद्धि होगी, दर्शन करने वालों के भाव भी उतने ही अच्छे आएंगे। ये ध्यान रखना, जो प्रतिमा विराजमान करवाता है, अपने हाथों से रखवाता है, उसके परिणामों में जितनी ज्यादा विशुद्धि होगी उतना ज्यादा प्रतिमाओं में अतिशय आता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो सम्यक का मतलब होता है कि अपने को चल मल अगार दोष लगते हैं, क्योंकि आज हमारे और आपके पास में छयोपशम सम्यक दर्शन है, सम्यक प्रकृति का उदय है, क्योंकि वो मिथ्यात का टुकड़ा है। तो कुचित कदाचित कभी भाव पैदा हो जाए बात अलग है, लेकिन हमेशा नहीं रहना चाहिए। और जो मिथ्यात का मतलब होता है गलत रास्ता, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इनके प्रति जो बहुमान होता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनको बहुमान नहीं होता है, उसी का नाम है मिथ्यात्व। और सम्यक मिथ्यात्व, गंगा जी गए तो गंगादास और यमुना जी गए तो यमुनादास। घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में जो मंदिर मिल गया उसी को प्रणाम, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर मिल गया नमोस्तु, और जो अन्य कोई भी मंदिर मिल गया हमारा काम हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन होना चाहिए, मंदिर के दर्शन होना चाहिए। ऐसी जिसकी मान्यता है उसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात, तो जो नहीं होना चाहिए। मूलतः ये तीनों दर्शन मोहिनी की हैं भेद। अब चारित्र मोहिनी की चर्चा चलती है। अकसाय, अकसाय का मतलब होता है कसाय तो है लेकिन ईसत कसाय है। यहाँ पर जो आ लगा हुआ है वो ईसत माने थोड़े से भाव के कारण, ईसत अर्थ को बताने के लिए है, अल्प अर्थ को बताने के लिए है। अब जैसे आप हंस रहे हैं तो हंसना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छा है, प्रसन्नता का भाव रहता है। तो लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं जो हंसना है वह भी एक कसाय है, लेकिन कौन सी कसाय है, अकसाय, तीव्रता वाली नहीं है। गुस्सा करेंगे उसमें सामने वाले के भाव खराब होते हैं,
लेकिन जो हंसते हैं उसमें सामने वाले यो कहता है कि जितना आप हंसोगे उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए वो प्राय करके योग लगाने वाले सवेरे सवेरे हंसी करवाते हैं, हंसवाते हैं। तो अपने को भी सवेरे सवेरे उठकर हंसना चाहिए, योग की दृष्टि से, शरीर की स्वस्थता की दृष्टि से। लेकिन सामान्यतः जो हंसी मजाक चलता है उस हंसी मजाक में इतना ओवर ना हो जाए, इतना अधिक ना हो जाए, किसी के व्यंगात्मक नहीं हंसना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। सामान प्रसन्नता की बात अलग है और किसी के ऊपर हंसना बहुत तीव्र कसाय का काम करती है। अब किसी के प्रति हास्य के बाद में आता है रति, रति माने राग, ये राग भी कसाय है। हमारा पीके जैन साहब से राग है, अशोक जी से राग है, अरुण भैया जी से। लेकिन ये लगे हुए हैं अपना समय अधिक से अधिक जिनवाणी की सेवा में दे रहे हैं, इसलिए इन धर्मात्माओं के प्रति रति माने राग भाव होता है। अब आप लोगों का राग भाव अपने बच्चों के प्रति होता है, अपने परिवार के प्रति होता है, तो आपका जो राग भाव आपके बच्चों के प्रति होता है उसमें अंतर है। हमारा आपके प्रति जो राग भाव है वो धर्मात्मा के नाते है, लेकिन आपका बच्चों के प्रति जो राग भाव है वो मोह के कारण है। आपका हमारे प्रति जो राग भाव है वो धर्मात्मा का राग भाव है, आपका गुरुओं के प्रति जो राग भाव है वो धर्मात्मा के प्रति राग भाव है, आपका जो जिनवाणी के प्रति राग भाव है वो जिनवाणी के प्रति राग भाव है, आपका जो भगवान के प्रति राग है वो भगवान के प्रति राग भाव है। तो जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो राग भाव है, रति है, वो आपको पुण्य बंद कराने का कारण है। लेकिन संसार के प्रति जो मोह है, बच्चों के प्रति जो मोह है, बच्ची की खबर आई के नहीं आई, बच्चों की खबर आई के नहीं आई, तो इस प्रकार का मोह आपको कम करके भगवान के प्रति अपने को राग भाव बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान का राग भी आपको छोड़ना पड़ेगा मोक्ष को चाहिए तो। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको सबसे राग हटाना पड़ेगा। मां मुझे मारचे तेसु, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में ना राग करो, ना द्वेष करो, ना मोह करो, ऐसा आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते हैं। लेकिन ऐसी हमारी भूमिका नहीं है, अभी हम ऊपर की दशा में नहीं है। तो जब तक हम ऊपर की दशा में नहीं है तब तक हमें देव शास्त्र गुरु इन धर्मात्माओं से राग भाव करना चाहिए, क्योंकि इनसे राग भाव यदि आप छोड़ोगे तो घर गृहस्थी का तो राग भाव आपको लगा हुआ है, वो तो राग भाव आपका छूटा नहीं है। तो जब घर का राग भाव छूटा नहीं है और इनसे राग भाव छोड़ दोगे तो वहीं जाओगे, गड्ढे में ही गिरोगे, संसार में ही फंसोगे। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग भाव रखो। लेकिन जब आपकी भूमिका आएगी, जब आपकी निर्ग्रंथ अवस्था आएगी, और निर्ग्रंथ अवस्था आने पर जब आपकी ऊपर की श्रृंखला चालू हो जाएगी तब ये चीजें छोड़ने के लिए कहा है। अभी आपको नहीं छोड़ने के लिए कहा है कि अभी आप छोड़ने लगो। आचार्य श्री के बड़े भाई महावीर हैं, एक दफे हमारी उनसे चर्चा हो रही तो बोले, उनसे हमारी चर्चा हुई तब बोले हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम कहें कि हमारे भाई हैं। मैंने कही आप कहोगे हमारे भाई हैं तो लोगों को पुण्य का बंध होगा, आपको भी पुण्य का बंध होगा कि हमारे भाई इतने बड़ी पद पर हैं, महान आचार्य हैं। लेकिन आप कहोगे
बंद करते ना, एक आध मिनट को बदलती है। आज 40 हो गए इसलिए बंद हो गया। आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? बंद हो गया तो अब होगा बंद तो मेरा चालू है, अभी दोबारा चालू कर देते हैं, बंद होने वाला है। हाँ दोबारा चालू कर दो तो।